शांति। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता के कई सूत्र हैं, हमें बहुत सूत्र बताए गए हैं। सब ठीक है, बहुत अच्छा, मेहनत करना चाहिए, मेहनत ही सफलता की पूंजी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन सब चीज़ों के ऊपर एक और चीज़ है जिसे हम एटीट्यूड बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं। कहीं भी जीवन में सफल होने के लिए वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मल कोर्स में हम मेहनत करके सफल हो सकते हैं, अपनी बुद्धि बल से सफल हो सकते हैं, दूसरों के मदद से सफल हो सकते हैं। लेकिन जब जीवन हमें बहुत सारे चैलेंजेस लाके देता है, जब ऐसी बातें जीवन में आती हैं जब हमारा बुद्धि काम नहीं कर सकता है, जब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस समय अगर हमारा एटीट्यूड राइट है, हमारी वृत्ति ठीक है, तो हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हमारा राइट एटीट्यूड हमें सफल होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वास्तव में सफलता भी एक वृत्ति है। बहुत बार मैंने जीवन में देखा है बहुत सफल व्यक्तियों को मुरझाए हुए, और बहुत मार्जिनल सफल जो व्यक्ति हैं उन लोगों को मुस्कुराते हुए, उन्हें बल्ले बल्ले करते हुए। मुझे याद है बचपन में जब जिस साल हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम आया, रिज़ल्ट आया था, वो दिन मैं याद कर रही हूँ। जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहाँ तीन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था मैट्रिक का, और तीनों के अलग अलग मार्क्स थे, और तीनों का जो सक्सेस को सेलिब्रेट करने का जो तौर तरीका था वो बिल्कुल अलग था। उसमें से एक लड़की थी जिसने हार्डली 33% मार्क्स लिए थे और वो पास हो गई थी। दूसरा था जिसने, मतलब क्या कहें, 67% मार्क्स लिए थे और पास हुई थी, फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे मार्क्स लेके पास हुई। लेकिन जो लास्ट लड़की जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, उसने 80%+ मार्क्स लिया था, जो उन दिनों पाना मुश्किल था, लेकिन उसने 80%+ मार्क्स लिए थे। हुआ इस प्रकार से था, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था उनके घर में, जिसने ओनली 33% मार्क्स लिए थे और पास हुई थी, और वो इतनी खुश थी कि वो पूरे कॉलोनी में घर 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 में जा कर के लड्डू बांट रही थी, और बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन था। उसके फादर ने भी बड़ा सेलिब्रेशन रखा हुआ था, बहुत आनंदित थे। बीच वाली बहुत खुश थी, बड़ी आनंदित थी, वाह मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। लेकिन जिस बच्ची ने, जिस लड़की ने 80+% मार्क्स लिए थे, उसके घर में 8 दिन तक लाइट नहीं लगी थी। इतना मातम, आस पास तक कोई लोग नहीं जा सकते थे, और बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ घर में अंधेरा, और जैसे नहीं, बहुत बड़ा, बहुत भारी वाइब्रेशन था, इसलिए कि वो अपने स्कूल बोर्ड में 2nd नंबर आई थी, उसे 1st होना था। दुखी थी, बहुत दुखी, और शायद उससे माँ बेटी बाहर निकल भी नहीं पाए, और इतना शौक उन्हें लगा था, बात मत पूछो। और वो 33% मार्क्स वाली जो थी, उनको, उनके फादर को उनकी शादी कर देनी थी, और कहा था कि कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, तब तुम्हारी शादी करेंगे, और वो पास हो गई थी। अब मुझे कई बार आज तक भी सोच के ख्याल आता है कि देखो, इतने ज़्यादा मार्क्स के बाद भी वो डिप्रेशन में चली गई, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी, उनकी माता जी को भी थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी। बहुत दिन तक उनके घर में कोई जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लोग हमें इंसल्ट करने आ रहे हैं, और ऐसी हालत, बात मत पूछो। क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाई? क्योंकि सक्सेस को एडमायर करने के लिए, सक्सेस का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सक्सेस के लिए हमारा एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, राइट रखें, अच्छा रखें, तो हम हर परिस्थिति को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वास्तव में कोई भी सक्सेस फाइनल नहीं है, कोई भी फेलियर भी फाइनल नहीं है। जीवन तो एक सोपान की तरह है, जहां हमें चढ़ना है, उसमें हमें कभी सफल भी होना है, कभी ना भी सफल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी की वो यात्रा है जो हमें आगे बढ़ाता है।
आगे बढ़ने के लिए एटीट्यूड की ज़रूरत है। मैं हमेशा सोचती हूँ, जब हम माउंट आबू जाते हैं, हमारा हेडक्वार्टर, हमारा आश्रम, बड़ा संत आश्रम जो है वो माउंट आबू में है, जो एक शांति का देश है, जो एक आनंद का देश है ऐसे कह सकते हैं। और वहाँ जा कर के आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही सुंदर एक धरती पे स्वर्ग बना हुआ है वो स्थान। लेकिन वो माउंट आबू पे, पहले माउंट में ही था, अभी तो नीचे भी हमारा आश्रम है, लेकिन ऊपर पांडव भवन माउंट पे हुआ करता था, माउंट पे है। जब हम जाते थे वहाँ पे, तो आप देखेंगे बड़ा वंडरफुल होता है पहाड़ की चढ़ाई। कभी आप ऊपर जा रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा नीचे होकर के भी ऊपर जाते हैं, लेकिन उस नीचे जाना भी ऊपर पहुंचने के लिए लाजमी है। आप ऐसे नहीं सीधा जंप कर सकते हैं, पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी में जाने के लिए कभी कभी आपको उतर करके फिर चढ़ना पड़ता है। तो जीवन में भी वैसा ही है, सफलता और असफलता, राइट एटीट्यूड अगर आपका है और किसी ऊंचे मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा रही हैं। फेलियर भी एक लेसन देता है, एक एक्सपीरियंस देता है, जिससे आप और अच्छी तरह से सक्सेस हो सकते हैं। तो कभी भी जब जीवन में ऐसा कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उस समय मूंझने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राइट एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। जब इम्पॉसिबल बातें आ जाती है जीवन में और हम चारों ओर से घिर जाते हैं, लगता है पता नहीं क्या होगा, अब कैसे होगा, जीवन में कैसे बाहर निकले इन परिस्थितियों में, तब भी मत घबराइए, एटीट्यूड राइट रखें। देखना, जो कुछ होगा उसी में ही अच्छाई है, वही भला है, वही राइट है, वही अच्छा है, और आप देखेंगे उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी, बहुत अच्छी तरह से मदद मिलेगी। और ये मदद कई बार इतनी वंडरफुल होती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। ये एटीट्यूड के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक मोटे बूढ़े बैल की। किसकी कहानी है? एक बैल की, जो मोटा भी है और बूढ़ा भी हो गया है। और इस कहानी का शीर्षक है शेक ऑफ स्टेप अप, शेक ऑफ स्टेप अप। ठीक है, कहानी इस प्रकार है। एक मोटा बूढ़ा बैल था जो अपने मालिक किसान का बहुत प्रिय था। किसान उस बैल से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने उसे बहुत सेवाएं दी थी। लेकिन अभी वो बैल बूढ़ा हो गया है। एक दिन वो मोटा बूढ़ा बैल बगीचे में चलते चलते एक सूखे कुएं में गिर गया। कुआं टूटा फूटा था, सूखा भी था, गहरा था। जब उसके मालिक को पता चला, जो उसे बहुत प्यार करता था, वो उसको बचाना चाहता था, बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो अकेला किसान उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, उसके लिए उसको मदद की ज़रूरत थी। गांव वालों को बुलाया, मेरी मदद करो, मेरा बैल कुएं में गिर गया है। गांव वालों ने पंच बिठाई और पंचों ने डिसीजन लिया कि एक तीर से दो शिकार किया जाए। डिसीजन क्या था? वो ये कि बैल बूढ़ा हो गया है, आज नहीं तो कल उसने शरीर छोड़ना है, उसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा। कुआं भी कैसा है? टूटा फूटा कुआं है, सूखा कुआं है। आज अगर बैल को निकालेंगे, कल बकरी गिरने वाली है, तो उसे भी कहीं ना कहीं दबाने की ज़रूरत है। तो पंचों ने ये डिसीजन लिया कि चलो बैल को उस कुएं में जिंदा दफना देते हैं। बेचारे किसान को बहुत शौक लगा, उसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करता, वो अकेला अपने बैल को मदद नहीं कर सकता था। गांव के युवकों को जब पता चला कि ऐसा कुछ काम करना है, तो सब अपना तगाड़ी उठा उठा के ले आए और मिट्टी लेकर के कुएं में डालना शुरू कर दिया। पंचों ने तो यही सोचा था कि हम उस बैल को उसमें दफना देंगे, लेकिन
यहाँ कुछ और चल रहा था। सब लोग मिट्टी डाले जा रहे थे जोर जोर से, जल्दी जल्दी से, लेकिन कुएं के अंदर कुछ और हो रहा था। वो क्या था? शेक ऑफ स्टेप अप, शेक ऑफ स्टेप अप। जैसे ही मिट्टी पड़ती थी, बैल शेक हो जाता था, मिट्टी नीचे चली जाती थी, वो एक स्टेप ऊंचा चला जाता था, फिर मिट्टी गिरता था, फिर शेक करता था, फिर एक स्टेप ऊपर जाता था। देखते देखते बैल उस कुएं से बाहर निकल के चला गया। अब सोचने वाली बात है, हु सेव्ड द बुल, बैल को किसने बचाया? बेचारा किसान चाहता था, लेकिन वो बचा नहीं सकता था। गांव वालों ने तो कोशिश की थी उसको दफनाने की, तो किसने बचाया? भगवान ने। भगवान ने कैसे बचाया? गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। हमें अपनी मदद करने के लिए राइट एटीट्यूड की ज़रूरत है। हम सोचें, अगर हम उस बैल की जगह होते तो क्या करते? जब देखते ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं ज़िंदगी भर मेहनत करता रहा, ज़िंदगी भर उनके लिए खटता रहा, और आज ये मुझे क्या कर रहे हैं? जब मैं मुश्किलों में हूँ तो मुझे मार देना चाहते हैं। वो क्या मारेंगे, मैं उससे पहले मर जाता हूँ। हम चीखते चिल्लाते डिस्टर्ब होते, मन को दुखी करते, दुखी हो के कहीं मर भी जाते, लेकिन बैल ने ऐसा नहीं किया। बैल ने अपना एटीट्यूड राइट रखा। कोई भी परिस्थिति जो मेरे पास आ रही है, मैं उन परिस्थितियों को बड़ी सहजता से क्या कर सकता हूँ? उसने मन को असहज नहीं बनाया, सहज बनाया। जो भी परिस्थिति आई, शेक ऑफ, उसने उसे टच नहीं किया, जाने दे दिया। तो जब आई हुई परिस्थितियों को उसने इग्नोर किया, अपने शरीर पे नहीं लिया, अपने मन पे नहीं लिया, तो उसके लिए सोपान बन गया, स्टेप बन गया। जैसे ही मिट्टी नीचे गई, वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। हमारे पास भी जिंदगी जब कोई ऐसी परिस्थिति लाके खड़ी करे, कैसी भी दुर्गम परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति को हमें स्किन डीप लेने की ज़रूरत नहीं है। उन परिस्थितियों से कैसे हम अपने आप को निकालें, वो सोचने की ज़रूरत है। क्या लेसन ले सकते हैं? हर कोई चीज़ मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए ही आई है। इसे परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जब ईश्वर मेरे पिता हैं, माता प्रकृति मेरी माँ है, ड्रामा मेरी माँ है, जो कल्याणकारी समय चल रहा है, संसार एक ड्रामा है, एक नाटक है, जो भी वक्त चल रहा है, ये वक्त, ये ड्रामा मेरी माँ है, मेरे लिए कल्याणकारी है। मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, वो मेरे कल्याण के लिए आ रहा है, तो आप देखेंगे कभी घबराएंगे नहीं। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं सोपान बन जाएगी हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्हीं परिस्थितियों से निकलने के लिए। तो जीवन अगर परिस्थिति दे रही है, समस्याएं आ रहे हैं, घबराइए नहीं, थोड़ा शांत रहें, उस परमेश्वर को याद करें, ये सोचें सब कुछ कल्याण के लिए है, जो कुछ हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, और उस परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखें, अनुभवी बने और आगे बढ़ें। देखना कहीं ना कहीं स्टेप्स निकल आएंगे जो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल के ले आएगी। वो परमात्मा सर्वशक्तिवान जब मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की क्या बात है? उनका साथ बिकटते बिकट परिस्थिति में भी हमें शक्ति प्रदान करता है। वो कल्याणकारी पिता मेरे पिता हैं, मेरे सबसे अच्छे पिता,
जो हमेशा मेरे कल्याण के लिए ही सोच रहे हैं। जब हमारा ये एटीट्यूड होगा तो देखना, परिस्थितियां हमें घबराएंगी नहीं, हमें डाउन होने नहीं देंगी। वही परिस्थितियां हमें जीवन में राइज होने के लिए एक सोपान बन जाएंगी, एक जरिया बन जाएंगी। ओम शांति।